एक्विरियम बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए आप थ्री टाइप का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। पहले वाला होता है पेंट ब्रश की मदद से उसको पेंट करना, दूसरी वाला होता है पेंट रोलर की मदद से उसको पेंट करना, और तीसरी वाला सबसे आसान तरीका होता है स्प्रे पेंट की मदद से उसको पेंट करना। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्प्रे पेंट की मदद से एक एक्वेरियम बैकग्राउंड को कैसे पेंट करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कौन सा तरीका में कितना खर्चा आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम से जुड़ी हर तरह के वीडियो देखने के लिए। अगर आप अपने एक्वेरियम बैकग्राउंड को स्प्रे पेंट के मदद से पेंट करने के लिए सोच रहे हो तो कोशिश करें कोई खुली जगह में इस प्रोसेस को फॉलो करने का। अगर आप अपने घर के अंदर ये काम करने के लिए सोच रहे हो तो घर के जितने भी डोर एंड विंडो है उसको सारी ओपन करके रखें, और उसके साथ साथ अपने घर के अंदर जितने भी चीज़ है वो सारी चीज़ को कोई क्लॉथ और न्यूज़पेपर के मदद से अच्छी तरह से ढक दे। इसके बाद अपनी एक्वेरियम को एक थर्मोकोल के ऊपर इस तरह से रखें ताकि जिस साइड को आपको पेंट करना है वो ऊपर की तरफ रहे। एक्वेरियम को जिस साइड को आपको पेंट करना है उस साइड को छोड़ के बाकी जितना भी ग्लास है वो सभी ग्लास को अच्छी तरह से न्यूज़पेपर एंड टेप के मदद से कवर कर दे। इसके अलावा हर साइड में भी अच्छी तरह से न्यूज़पेपर बिछा दे ताकि अपनी जो फ्लोर है वो गंदी ना हो जाए। इसके बाद जिस ग्लास को आपको पेंट करना है उस ग्लास को अच्छी तरह से क्लीन करना है। ग्लास को क्लीन करने के लिए आप न्यूज़पेपर एंड क्लॉथ के मदद ले सकते हो। ग्लास को क्लीन करने के लिए आप कोई तरह की कोई केमिकल और वाटर यूज ना करें। अब आती है पेंट करने की बारी। स्प्रे पेंट करने के लिए मार्केट में आप लोगों को इस तरह का पेंट का कंटेनर मिल जाएगा। एक कंटेनर 400 ml का मिलता है और इसका डिफरेंट टाइप का कलर भी मिलता है। मैंने मेरा एक्वेरियम को पेंट करने के लिए ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर को चूज किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर को चूज कर सकते हो। स्प्रे पेंट को यूज करने के लिए आपको कई तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ता है। कंटेनर के साइड में इसके लिए आपको डिटेल्स गाइडलाइन मिल जाएगा, फिर भी मैं ओवरऑल कुछ बात आप लोगों को बता देता हूँ। पेंट को स्प्रे करने से पहले आप अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से कोई मास्क और क्लॉथ के मदद से अच्छी तरह से ढक ले। इसके अलावा आप एक सनग्लास जरूर यूज करें। अभी चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ इसको कैसे इस ग्लास के ऊपर स्प्रे करते हैं। पेंटिंग शुरू करने से पहले आप कंटेनर को अच्छी तरह से शेक कर ले, उसके बाद ही पेंटिंग चालू करें। पेंट करने के टाइम आप अपनी ग्लास के ऊपर से 6 या 7 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हो तो अपनी पेंट खराब हो सकता है। पेंट करने के टाइम आप अपनी ग्लास को हर टाइम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें। इस तरह का वर्टिकल पोजीशन में रखें पेंट ना करें। इसमें क्या होता है, अपना जो पेंट है वो नीचे की तरफ फ्लो हो सकता है और अपनी पेंट खराब हो सकता है। पहले लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपनी एक्वेरियम को ड्राई हो जाने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दो। अभी आप लोग देखिए मैं कैसे इस पूरा पेंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। अपनी सेकेंड कोट कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपनी पूरा एक्वेरियम को कम से कम 1 दिन के लिए छोड़ दो ताकि अच्छी तरह अपनी जो पेंट है वो ड्राई हो जाए। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा सबसे ज़रूरी बात कौन सा प्रोसेस में कितना खर्चा आता है। यह मैं आप लोगों को एक 2 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट एक्वेरियम का दोनों साइड को पेंट करने के लिए कितना कॉस्टिंग होता है इसका कंपेरिजन दूंगा। अगर आप अपने एक्वेरियम को पेंट ब्रश के मदद से पेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको चाहिए 200 ml पेंट
उसके साथ चाहिए एक 2 इंच या 3 इंच का फ्लैट पेंट ब्रश। 200 ml का एक पेंट का कंटेनर मार्केट में आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पेंट ब्रश के लिए देना पड़ेगा 20-30 रुपीस। यह आपको टोटल कॉस्टिंग हो गया 70-80 रुपीस। अगर आप पेंट रोलर के मदद से पेंट करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको चाहिए 200 ml पेंट। इसके साथ साथ चाहिए एक पेंट रोलर। पेंट के लिए आपको देना पड़ेगा 50 रुपीस। उसके साथ साथ पेंट रोलर के लिए आपको देना पड़ेगा 60-70 रुपीस। इस प्रोसेस में आपको टोटल कॉस्टिंग आएगा 110-120 रुपीस। इन माई पर्सनल ओपिनियन ये तरीका आपको पेंट ब्रश से पेंट करने से थोड़ा बेटर है। इसके बाद आती है स्प्रे पेंट की बारी। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक स्प्रे पेंट का कंटेनर। एक कंटेनर आपको मार्केट में कहीं भी 120-130 रुपीज में मिल जाएगा। एक्वेरियम बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए इस तरीके में थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं पर्सनली मेरे एक्वेरियम बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए हर टाइम इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय फ्रेंड, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।